एक मजदूर जो कभी ट्रक में खलासी का काम करता था, वो आज इतना बड़ा नेता बन जाएगा कि राज्य के मुख्यमंत्री को ही हरा देगा, ये शायद ही किसी ने सोचा हो। और फिर विधानसभा में वो मजदूर जब विधायक बन जाता है तो उसे देख राज्य का वो पूर्व मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर कहता है कि अरे आप ही हैं वो जिसने मुझे हराया। क्या है पूरा मामला बताएंगे, लेकिन पहले देखें ये वायरल वीडियो। वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा कि मामला उड़ीसा का है, जहां बीजेपी ने 24 साल पुराने नवीन पटनायक के किले को ध्वस्त कर अपनी सत्ता काबिज की। अब जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो वीडियो वायरल हो गई, जिसमें नवीन पटनायक खुद को हराने वाले लक्ष्मण बाग से कुछ ऐसा कह गए जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल राज्य में नई सरकार के गठन के बाद 18 जून से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया है और यही नवीन पटनायक की मुलाकात लक्ष्मण बाग से हुई। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 20 जून को होगा। बात करें पटनायक को शिकस्त देने वाले लक्ष्मण बाग की, तो वो खुटुल मुंडा गाँव के रहने वाले हैं। एक किसान परिवार में जन्मे लक्ष्मण बाग अपने पिता के छठे बेटे हैं। उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी की, ट्रक पर खलासी का काम किया, जीवन यापन किया और बाद में ट्रक खरीद कर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हाथ आजमाया। इस तरह लगातार आगे बढ़ते रहे और राजनीति में भी किस्मत आजमाई। 2014 के चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे। उस वक्त बीजेडी के अयूब खान ने यहां जीत दर्ज की थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के संतोष सिंह सलूजा से मात्र 128 वोटों से हार गए थे और अब 2024 में राज्य के मुख्यमंत्री को ही हरा दिया। लक्ष्मण बाग ने भले ही पटनायक को शिकस्त दे दी है, लेकिन उनका परिवार आज भी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 48 साल के लक्ष्मण बाग ने श्रमिकों के पलायन को लेकर बीजेडी सरकार पर निशाना लगातार साधा और इसे अपना मुख्य एजेंडा भी बनाया। हर साल पश्चिमी उड़ीसा के कालाहांडी, नुआपारा, बोल नगी, सबलपुर और बरगढ़ जिलों के हजारों गरीब युवा कांटाबाजी से हैदराबाद और विशाखापट्टनम जाते हैं। कांटाबाजी विधानसभा सीट को पश्चिमी उड़ीसा के प्रवासी मजदूरों को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ईंट भट्टों और तमिलनाडु तक ले जाने का प्रवेश द्वार माना जाता है, जिसे लक्ष्मण बाग ने इस चुनाव में मुद्दा बनाया और लगभग 16,000 वोटों से नवीन पटनायक को हरा दिया। इस बार के उड़ीसा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बहुमत हासिल किया। इसी के साथ राज्य में 24 साल बाद बीजेडी सत्ता से बाहर हुई। बीजेपी को 147 सीटों में से 78 सीटें मिली। नवीन पटनायक साल 2000 से लगातार 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो इस पद पर 24 साल और 98 दिन तक रहे। अब प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने पर यहाँ मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसे लगी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।